नमस्कार मित्रों, शुभ समृद्धि विज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे और नए लोग हों तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन तो दबा ही लें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाया करें और तुरंत ही आप हमारे वीडियोस को देख सकें और उसके द्वारा अपना लाभ अर्जित कर सकें। मित्रों, ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि एक बहुत जरूरी बात है, वो बात आप लोगों को समझनी आवश्यक है। अगर ये बात समझ ली तो अपने आप में एक आपके जीवन में नई ऊर्जा का विकास होगा। मित्रों, हम ये देखते हैं कि जैसे आजकल घर से बाहर के खाने को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस आपाधापी भरी जिंदगी में लोग जैसे तैसे बस कुछ भी पेट में डाल लेते हैं या स्वाद के लिए डाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक संतुलित आहार के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो क्या है कि संतुलित आहार क्या है? मुख्य बात यह है कि संतुलित आहार कैसे हो जिससे कि कुपोषण ना हो। जब संतुलित आहार नहीं होता है तब कुपोषण होता है। कुपोषण का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आदमी भूखमरा हो, यानी कि भूख से मरे, तभी कुपोषण नहीं होता है। कुपोषण तब भी होता है जब किसी का पेट निकल आता है। कुपोषण तब भी होता है जब उसको किसी प्रकार की कमी हो जाती है शरीर में, किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उससे रोग पैदा होते हैं, तो वो भी एक कुपोषण की ही श्रेणी में आता है। तो अगर एक उम्र होती है जैसे कि 17-18 साल तक, तो 17-18 साल तक उस उम्र में लोग क्या करते हैं कि शरीर इतना एस्टेब्लिश्ड होता है कि वो अपने आप में हर चीज को कंट्रोल करता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद में, और विशेषकर जब वीर क्षरण होने लगता है, वैवाहिक संबंध होते हैं या किसी और प्रकार से, तो धातुओं को फिर दिक्कत होने लगती है। ये कि धातुएं कम होने लगती हैं कोई ज्यादा, और वीर ज्यादा निकल जाने से भी शरीर में कमियां आ जाती हैं। तो एक तो ये है कि इस काम वासना को नियंत्रित किया जाए, और इस काम वासना को एक नियंत्रित आधार पर किया जाए तो ये लाभकारी भी हो सकती है, नुकसानदेह नहीं होगी। पर अनियमित प्रयोग इसका हुआ अगर, तो ये जरूर आपकी जान लेके ही छोड़ेगी, जहां तक मैं ये मानता हूं। बहुत सारे लोग इस प्रकार से रोगी होकर के मर गए। अब तीसरी बात आती है कि हम अपने भोजन में क्या क्या चीज डालें, खाएं, जिससे कि आपके शरीर को अधिक वर्षों तक ज्यादा क्रियाशील और जवान रखा जा सके। आज हम केवल संतुलित आहार के बारे में ही प्रयोग बताएंगे, बात बताएंगे। मित्रों, ये जो संतुलित आहार क्या है, मतलब शरीर में जो जिस तत्व की जो मात्रा होनी चाहिए उसमें जानी चाहिए। अगर वो नहीं जाती है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और लाख दवाइयां कराने के बावजूद आप कभी ठीक नहीं रहेंगे, ये तो आप मान लीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहला इसमें अवयव क्या है? जैसे शरीर में 3/4, तो शरीर में पानी होता है। एक मनुष्य के शरीर में 3/4 पानी होता है, यानी कि अगर एक कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसके शरीर में 75 किलो तो केवल पानी होगा और 25 किलो में अन्य पदार्थ होंगे, ये माना जाता है। अब ये वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध भी हो चुका है कि यही रेशियो है। और अब पहला मैं बताता हूं कि पहला अवयव क्या है जो शरीर को स्फूर्ति देता है, शक्ति देता है, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण। ये स्वाद में मीठा होता है कार्बोहाइड्रेट,
जो कि गन्ने में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है ना, गुड़ में मिलेगा आपको, खजूर के गुड़ में मिलेगा। इस प्रकार से मीठापन जहां जहां है, यानी जहां पर शुगर यानी शक्कर, उसको मोटे स्वरूप से आप मान लीजिए है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C6H12O6, ये उसका फार्मूला है केमिकल में। अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो इसको ज्यादा वो न लेना, वो इससे गलती नहीं कर रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के इस कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। यानी कि अब जब हमने ग्लूकोज भी उसी को कहते हैं कि ग्लूकोज यानी मिठास। अब ये ग्लूकोज जब आपके शरीर में जाता है तो हमारे शरीर से खड़रस निकलते हैं, पाचन होता है उसका, और पाचन होने के बाद में उस ग्लूकोज पचाने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। वो इंसुलिन नाम का हार्मोन ग्लूकोज को एक ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जैसे बैटरी भरती है, स्टोर होती है, बिजली से बैटरी भर जाती है, बाद में बैटरी से बिजली फिर वापस बनती है, इसी प्रकार से जो पैंक्रियाज होता है वहां से निकलता है, हिंदी में उसको अग्न्याशय कहते हैं, वहां से निकलता है इंसुलिन नाम का हार्मोन, और वो आपके शरीर की जो शर्करा आपने खाई है किसी रूप में भी ग्लूकोज को, तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। इसके बाद जब शरीर को जरूरत पड़ेगी और आपको ग्लूकोज की आवश्यकता होगी और उसका आप अगर खा नहीं रहे तो ग्लूकोज वो फिर ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में बदल करके आपको शक्ति देगा। कभी आपने देखा होगा भूखे होने पर थोड़ी देर तो कमजोरी महसूस होती है, इसके बाद भूख भी मर जाती है और कमजोरी भी दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया था, और वहां से फिर ग्लूकोज दोबारा बन करके बर्न होता है, शरीर को शक्ति देता है। ये इमरजेंसी लाइट की तरह है। अच्छा, अगर ये नहीं पच पाता और नहीं इंसुलिन बन पाता है तो फिर डायरेक्ट ये फिर निकल जाएगा शरीर से पेशाब के जरिए, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तब फिर दिक्कत हो जाएगी, तब उसी को मधुमेह का रोग कहा जाता है। मधुमेह के रोग में यही है मूल रूप से कि ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं हो पाता इंसुलिन की कमी के कारण। चलो इसको तो छोड़ते हैं, शरीर में शक्ति, ऊर्जा, काम करने की शक्ति, ये सब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब दूसरी बात आई वसा। वसा माने चिकनाई, जैसे घी है या तेल है, इस प्रकार से इनको चिकनाई की चीजों को वसा कहते हैं। तो इस वसा को, आयल को, इस वसा को जब आप भोजन के रूप में किसी प्रकार से लेते हैं तो शरीर में ये सौष्ठव लाती है। ये वसा जो होती है ये शरीर की चमड़ी के नीचे सफेद रूप में विराजमान होती है, इससे ही झुर्रियां मिटती हैं, इससे ये जो होती है वसा ये शरीर को सौष्ठव देती है, यानी त्वचा को चिकना रखती है और उसमें चमक देती है। इसके अलावा ये बर्न होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट से कई गुना ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट में जो शक्ति प्राप्त होती है उससे कई गुना ये शक्ति वसा के द्वारा ही आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब आप इसका सेवन करते हैं तो शरीर में विशेष ऊर्जा, स्फूर्ति इससे भी मिलती है। अच्छा, वसा का एक कार्य ये भी है कि ये जो ज्वाइंट्स वगैरह हैं शरीर में, जितने भी ज्वाइंट्स हैं हड्डियों के, वहां पर एक पदार्थ के रूप में जाकर के ये वसा वहां पे चिकनाई का काम करती है, जिससे आपस में हड्डियां आपकी रगड़ नहीं पाती। ये वसा बनी रहनी चाहिए वहां पर, ये पदार्थ बना रहना चाहिए, अन्यथा बहुत दर्द होता है और गठिया बहुत तेज हो जाता है। तो वसा का प्रयोग करने से, मैंने बताया कि जब अगर वसा की विशेष परत अगर त्वचा के नीचे जब तक रहेगी तब तक त्वचा कांतिवान रहेगी, तब तक त्वचा सुंदर रहेगी और
इसके बाद वसा के बाद में तीसरा अवयव है वो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो शरीर के निर्माण में लगता है, शरीर में जो कुछ भी दिख रहा है पूरा शरीर ही प्रोटीन का बना हुआ है। भाई वसा तो जल गई मोबिल ऑयल की तरह, जल गई कार्बोहाइड्रेट जल गया शरीर में, नाड़ियों को बनाने का काम, त्वचा को बनाने का काम, और पूरे शरीर में जो कुछ भी है वो सब क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन ही है। और मित्रों ये प्रोटीन दालों में पाया जाता है और सोयाबीन में ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन, और मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन खबरदार इसको कभी भोजन के रूप में न लें क्योंकि ये अक्षम्य अपराध और पाप है, इसका कोई भी निराकरण नहीं है बजाय इसके कि आप नरक जाएं। इसलिए वसा प्राप्त करनी है तो किसी जीव को मार करके नहीं। अब ये जो वसा नहीं, मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ सॉरी, तो प्रोटीन आप दालों से अनाजों से इस प्रकार से प्राप्त करें। और इसके बाद में ये तीन चीज हो गई, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब चौथे पर क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स पानी में पाए जाते हैं कई प्रकार के, और तो वो मिनरल्स उससे प्राप्त हो जाते हैं, मिनरल्स कई हैं उसमें, और खनिज जिनको बोलते हैं उनकी मात्रा होनी चाहिए। और रोगों से बचाने के लिए शरीर में विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन ए से लेकर के और जितने भी विटामिन हैं वो सब शरीर में एक निश्चित मात्रा में होना ही चाहिए, अन्यथा रोगी होकर के शरीर छीजने लगेगा, शरीर का विकास रुकेगा और शरीर मतलब कमजोर होता चला जाएगा। तो विटामिन की शरीर में बहुत ही आवश्यकता है। विटामिन को ताकत के रूप में लोग कहते हैं लेकिन विटामिन से ताकत नहीं मिलती, विटामिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ताकत तो आपको कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन वसा से ही मिलती है, पर जब ये विटामिन खाई जाती है तो ये विटामिन जो होती हैं ये शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, चयापचय कहते हैं जिसको, यानी कि मरम्मत और टूट फूट, ये दो चीजें शरीर में हमेशा चलती रहती हैं, हमेशा टूट फूट भी होती रहती है और हमेशा स्वतः ही स्वतः मरम्मत भी होती रहती है। इसके उत्प्रेरण का कार्य ये विटामिन करती है। जैसे विटामिन ए का कार्य है कि ये आंखों की रोशनी को उत्प्रेरित करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, और इसी प्रकार से विटामिन बी है वो बेरी बेरी रोग को समाप्त करती है, नहीं होने देती है। विटामिन सी है ये जुकाम नजला इत्यादि को कंट्रोल करता है, जवान लोगों की जवानी को बरकरार रखता है विटामिन सी, और सर्दी जुकाम नहीं होने देता, साथ में ये बाल भी नहीं पकने देता। विटामिन सी वो चीज है जो आंवले में, नींबू में, चकोतरा में, संतरे में इत्यादि में पाई जाती है। सबसे अच्छी विटामिन सी हमको आंवला से प्राप्त होती है, वो आंवला किसी भी रूप में लिया जाए उसकी विटामिन कभी खत्म नहीं होती है। विटामिन डी बिल्कुल फ्री में प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। विटामिन सी का सेवन करने से, विटामिन डी का सेवन करने से आपके शरीर में हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं त्वचा में। और ये कैसे मिलती है आपको विटामिन डी, ये स्वयं शरीर उत्पन्न करता है धूप में। धूप लेने का तरीका क्या है कि आप अभी तो जाड़ा चल रहा है लेकिन धूप सेकनी चाहिए मतलब पीठ में, और डायरेक्ट सनलाइट उसमें पड़नी चाहिए, उस समय कोई बनियान वगैरह भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, तो ये विटामिन डी का निर्माण होगा, तो बहुत सारी समस्याएं विटामिन डी के द्वारा जो होती है वो नहीं होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी। बड़े बड़े घरों में महिलाएं और बच्चे वगैरह होते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचेगा नहीं तो उनकी हड्डियां दांत से मजबूत नहीं रह पाते, कमजोर हो जाते हैं,
और कभी कभी तो हड्डियां बड़ी आसानी से टूट भी जाती उनकी। इसी प्रकार से विटामिन ई है, जैसे वो बालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बालों की चमक, बालों के बढ़ने को, बालों के कालेपन को बरकरार रखने के लिए विटामिन ई का भी विशेष महत्व है। और विटामिन ई का कुछ महत्व आंख की रोशनी में भी आता है। तो मित्रों, और भी कई होती है विटामिन के और तमाम होती हैं। तो अब मैंने बता दिया, तो नित्य प्रति इस हिसाब से रखना चाहिए कि पानी 75% और जो भोजन है वो 25% का एक रेशियो ही रहना चाहिए, और उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिनरल का भी संयोग रहना चाहिए। अब बात आती है कि कोई ऐसा पदार्थ है क्या जिसमें ये सारी चीजें प्राकृतिक रूप से और निश्चित मात्रा में जो शरीर को चाहिए वो होता है, उसके लिए और कोई चीज जिसकी उसमें मिलावट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलाइए, केवल अकेली चीज खाइए, क्या ऐसा कोई संसार में पदार्थ है? जी हाँ, वो पदार्थ है, और वो पदार्थ दूध है। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, भेड़ का दूध है, ऊंटनी का दूध है, याक का दूध है, ये दूध खाए जाते हैं, मतलब पिए जाते हैं, और उनकी मिठाइयां वगैरह लोग बना लेते हैं तो खाए भी जाते हैं। इन दूध का सेवन करने से दूध में निश्चित मात्रा होती है अलग अलग, और कोई भी व्यक्ति कुछ ना, जीवन भर कुछ ना खाए पिए, केवल दूध का सेवन करता रहे तो भी आजीवन स्वस्थ बना रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी और निरोग रहेगा। तो यथा संभव हो सके जहां तक, तो आप लोगों को दूध का प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरी बात ये इसमें कि दूध ज्यादातर अगर गांव का मिले और चरने वाली गाय, भैंस, बकरी का दूध हो, तो जब भी कभी साल में एक दो बार कभी आप ऐसी जगह जाएं तो वहां के दूध का सेवन 2-4 दिन जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, क्योंकि जो जंगली जंगल में जो ये चरती हैं, तो अच्छी अच्छी जंगली जड़ी बूटियां भी चर जाती हैं, वो दूध ज्यादा गुणकारी होता है। जो भैंस गाय घर में बंधी है उसको वो पौष्टिक तत्व तो नहीं मिलते जो जंगल में चरने से मिलते हैं। हालांकि दावे तो बहुत हो रहे हैं कि ये पशु आहार, फलाना पशु आहार खिलाओ, वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन जंगल में जो चरने वाली गाय का दूध जो गुणकारी होता है, अभी जब महामारी फैली थी और डेंगू वगैरह में, तो अभी दिल्ली में 4,000 रुपए लीटर बकरी का दूध और भेड़ का दूध बिका था, सबको मालूम होगा। तो मित्रों, कभी भी गांव देहात से दूध मिले आप जरूर उसका सेवन करें। इसी के साथ मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करने की आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।